और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो असम से सामने आ रही है, जहां पर असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो चुका है। देखिए, डिब्रूगढ़ जेल से ही अमृतपाल सिंह अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। साथ ही इसकी जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई है। कोर्ट में पंजाब सरकार ने बताया कि सोमवार को अमृतपाल सिंह के नामांकन का काम पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल अमृतपाल सिंह ने नामांकन दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट में 7 दिन की पैरोल के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अमृतपाल सिंह अब जेल से ही नामांकन जो है दाखिल करेगा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, सोमवार को जो है नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए जेल से ही चुनाव लड़ेगा अमृतपाल सिंह। वही अमृतपाल सिंह जिसको ढूंढने में कितनी मशक्कत लगी थी, दिल्ली से लेकर पंजाब तक उसे ढूंढने की कोशिश की गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से उमेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा और जेल से ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन प्रचार प्रसार कैसे करेगा? जी देखिए, जो अमृतपाल सिंह का नॉमिनेशन फाइल करने का जो प्रोसीजर था वो जेल से ही पूरा होगा। पंजाब सरकार ने कहा कि डिब्रूगढ़ जेल के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनको ऑथराइज किया गया है कि जो भी नॉमिनेशन की प्रोसीजर है वो पूरा किया जाए, और जेल से ही जो नॉमिनेशन के प्रोसीजर है, जो चाहे वो साइन करने का हो, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया हो, तमाम जो प्रोसीजर है वो डिब्रूगढ़ जेल से ही पूरा किया जाएगा। और सोमवार तक ये जो सारा प्रोसीजर है वो पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि चुनाव से ही प्रोसीजर है। हालांकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दाखिल की थी याचिका अमृतपाल सिंह के वकीलों की तरफ से, कहा गया था कि बाहर आकर नॉमिनेशन फाइल करने दिया जाए, लेकिन पंजाब सरकार ने साफ कह दिया कि डिब्रूगढ़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट हैं जो, वो वहां पर ऑथराइज हैं। पूरी जो प्रक्रिया है अब जेल से ही पूरी होगी, अब सिर्फ जेल से बैठे बैठे अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा। जी बिल्कुल उमेश, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा चुनाव आयोग के साथ साथ जेल प्रशासन को, क्योंकि ये वही अमृतपाल है जो लगातार विवादित बयान दे चुका है। ये वही अमृतपाल है जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर किस तरीके से थाने के सामने पहुंचा था। तो जब प्रचार प्रसार किया जाएगा तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। जी देखिए, बिल्कुल वो एक अलग चुनाव प्रचार की बात करें, यहाँ पर मसला ये था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका थी कि जेल से बाहर आकर नॉमिनेशन फाइल करना है, वो फाइनली अब नहीं होगा क्योंकि जेल से ही सारी जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर है वो कह दिया गया है कि आप जेल से ही सारा नॉमिनेशन का प्रोसीजर फाइल कीजिए, पूरा कीजिए, जेल सुपरिटेंडेंट जो डिब्रूगढ़ है वो ये कामकाज देखेंगे, यानी कि ऑथराइज कर दिया गया, और उनके वकील इस समय डिब्रूगढ़ जेल में मौजूद है जो सारा जो प्रोसीजर पर नजर रखे हुए हैं। चुनाव प्रचार में देखिए तमाम बातें होंगी, राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा, लेकिन अहम बात यह कि जेल से बाहर नहीं आना होगा। जो राहत की मांग की थी वो अमृतपाल सिंह को पंजाब हाईकोर्ट से नहीं मिला। जी बिल्कुल उमेश, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे थे कि अमृतपाल सिंह जो है वो चुनाव लड़ेगा और जेल के अंदर से ही अपना नामांकन फाइल करेगा। एक